हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आज हम जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का बेटा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2020 का क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा, एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर एन टेन ऑफ टर्म एंड वाई इज इक्वल टू बेटा टर्म। देखो बेटा, सबसे पहले बेटा मैं डिस्कस करूंगा फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए। बेटा फॉर्मूला होता है ए प्लस आर स्क्वायर। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी आपने करना है बेटा, जो फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए a अपॉन 1 माइनस r बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए फॉर्मूला। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ x इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n tan 2n थीटा है। देखो बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन। अगर आप वैल्यू ऑफ एन 1 पुट करो बेटा, वैल्यू ऑफ एन 0 से स्टार्ट करोगे एंड इंफिनिटी तक पुट करोगे बेटा, आप 0 पुट करोगे माइनस 1 रेज टू पावर 0 इज 1, टेन रेज टू पावर 0 इज 1 बेटा, 0 पुट करोगे दोनों बार टर्म आपके पास 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म बेटा, नॉर्मली समेशन मींस प्लस साइन यूज करोगे, बट आप वैल्यू ऑफ एन 1 पुट करोगे, वैल्यू ऑफ एन 1 पुट करोगे दिस टर्म इज माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एन 1 पुट करोगे बेटा, नंबर बचेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टर्म है बेटा, वैल्यू ऑफ एन 2 पुट करो बेटा, माइनस 1 स्क्वायर बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, मींस प्लस साइन सेम आ जाएगा बेटा। 2 पुट करोगे बेटा, दिस टर्म इज इक्वल टू टेन पावर 4 थीटा। नेक्स्ट टर्म बेटा माइनस हो जाएगी एन। देखो बेटा, ये जीपी बन जाएगी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, वैल्यू ऑफ ए 1, वैल्यू ऑफ ए बेटा 1 हो जाएगा एंड वैल्यू ऑफ आर माइनस ऑफ 10 के थीटा हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 के थीटा। नाउ बेटा, आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास टर्म आएगी ए अपॉन 1 माइनस आर, एक्स इज इक्वल टू ए, ए मींस 1 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर मींस बेटा प्लस माइनस, वैल्यू ऑफ आर है बेटा माइनस 10 के थीटा, माइनस माइनस बेटा प्लस 10 के थीटा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 10 के थीटा। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस टर्म एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 10 के थीटा है, मीन बेटा वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी बेटा आपके पास कॉस स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एक्स बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू ऑफ एक्स आपके पास कॉस के थीटा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म बेटा वाई, बेटा वाई इक्वल टू टर्म गिवन है, वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी कॉस रेज टू पावर 2n थीटा। बेटा वैल्यू ऑफ एन 0 पुट करोगे, अगर आप वैल्यू ऑफ एन 0 पुट करो कॉस रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा बेटा, प्लस 1 पुट करोगे बेटा कॉस के थीटा, 2 पुट करोगे कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, अप टू सो ऑन इनफिनिटी। बेटा देखो, सम अगेन बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये वाला फॉर्मूला बेटा आप यूज करोगे दोबारा से, ए है बेटा 1 एंड आर है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म मींस कॉस के थीटा। बेटा फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे बेटा टर्म आपके पास टर्म बन जाएगी ए अपॉन 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस कॉस के थीटा। बेटा 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस कॉस के थीटा मींस वैल्यू ऑफ r कॉस के थीटा, वैल्यू ऑफ a 1 है बेटा। नाउ बेटा इस टर्म को आप लिख पाओगे y इज इक्वल टू 1 अपॉन sin के थीटा। नाउ बेटा वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर फ्रॉम दिस टर्म, अगर आप इसे इंटरचेंज करोगे, आप इसे इंटरचेंज करो बेटा, sin के थीटा ऊपर आ जाएगा, y नीचे हो जाएगा, इंटरचेंज करोगे आपके पास जो टर्म बनेगी बेटा, आपके पास टर्म आ जाएगी y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन y, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय y बेटा, आपके पास टर्म आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय y। नाउ इसे आप फर्स्ट कंसीडर करो बेटा, इसे सेकंड कंसीडर करो, 1 प्लस 2 करो, 1 प्लस 2 करोगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस
थीटा वन हो जाएगा बेटा, एलसीएम लगाओगे वाई एक्स वाई प्लस वन, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन, एंड बेटा एक्स वाई शिफ्ट करोगे वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वन, बेटा वाई कॉमन करोगे दिस नंबर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन, बेटा टर्म बन जाएगी आपके पास, आपका ऑप्शन सी फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन सी बेटा आपके पास आपका फाइनल